तो मैं वही बंदा हूँ जो लॉकडाउन में सुबह 4-5 बजे तक सुबह इंस्टाग्राम पे रील स्क्रॉल करता था और दोपहर के 3-4 बजे उठता था, और ऑलमोस्ट 9-10 घंटे की नींद के बाद भी मुझे ऐसे एकदम टायर्ड लेजीनेस फील होता था। बट मेरे बैक ऑफ द हेड में हमेशा मेरे को ऐसे थॉट्स आते थे कि मुझे सुबह जल्दी उठना चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए, एक्सरसाइज करना चाहिए, बट मैं नहीं कर रहा था। तो मैंने ऐसे ही एक दिन यूट्यूब पर परफेक्ट मॉर्निंग रूटीन ये टर्म को सर्च मारा था, और तब मैंने बहुत सारी वीडियोस स्क्रॉल किए, बहुत सारे वीडियोस देखे, और जब मैं वीडियोस देख रहा था तो उसके थोड़े दिनों बाद ही मेरा कॉलेज स्टार्ट होने वाला था, और तब मुझे वो परफेक्ट टाइम लगा था एक नया मॉर्निंग रूटीन बनाने का। तो इस वीडियो में मैं आपको अपना मॉर्निंग स्ट्रक्चर बताऊंगा, क्योंकि आई गेस बहुत सारे लोग हैं जिनका एक मॉर्निंग रूटीन बना रहे हैं, तो आई होप कि आप मेरे इस वीडियो से एक पीस लेकर अपने मॉर्निंग रूटीन पर अप्लाई करो। तो लेट्स स्टार्ट। तो मैं सुबह 5 बजे उठता हूँ, और उठने के बाद सबसे पहले मैं अपना बिस्तर ठीक करता हूँ, और ऑब्वियसली उसके बाद सबसे पहले मैं ब्रश करता हूँ, और ब्रश करने के बाद 3 जून से 13 जून तक जब मैंने चालू किया था तब मैं जिम जाता था, बट मेरा कॉलेज 7:30 का था, तो मैं जब जिम जाता था मैं कम से कम उधर 1.5 आवर्स तो वर्कआउट करता था, तो उसकी वजह से मैं कॉलेज के लिए हमेशा लेट हो जाता, तो मेरे को हमेशा भागम दौड़ी करनी पड़ती थी कॉलेज में टाइम में पहुँचने के लिए। तो उसकी वजह से मैंने अपना जिम का जो टाइम स्केड्यूल है उसको मैंने सुबह से दोपहर में शिफ्ट कर दिया। लाइक मैं अभी दोपहर को 3 बजे से 4:30 बजे तक जिम करता हूँ। तो अभी हम वापस टॉपिक पे आते हैं। तो ब्रश करने के बाद मैं नॉर्मल वार्म अप कर लेता हूँ, लाइक स्किपिंग हो गया, और फिर थोड़ा पुशअप्स एंड स्ट्रेचिंग। तो हाँ, लाइक मैं थोड़ा बॉडी को थोड़ा एक्टिव रखना चाहता हूँ, इसलिए मैं थोड़ा वार्म अप कर लेता हूँ सुबह, और उसके बाद मैं थोड़ा फ्रेश हो जाता हूँ, मैं नहाने चले जाता हूँ। और नहाने के बाद सबसे मैं अपना फेवरेट चीज करता हूँ जो है मेडिटेशन। तो मैं कृष्णा भगवान के नाम पर मेडिटेशन करता हूँ, लाइक ज्यादा नहीं, मैं सिर्फ 15 मिनट्स मेडिटेशन करता हूँ, लाइक 5:50 को मैं चालू करता हूँ और 6:05 तक खत्म हो जाता है मेडिटेशन। और उसके बाद मेरे मोबाइल में एक टू डू लिस्ट बना के रखा है, उसको मैं एक बार चेक कर लेता हूँ कि मेरे को आज क्या क्या करना है, या फिर वो कल से थोड़ा डिफरेंट है तो मैं कुछ उसमें अपडेट कर देता हूँ, या फिर नहीं तो मैं सुबह जो भी मैंने किया उस पर टिक मार देता हूँ। लाइक मैंने वो टू डू लिस्ट में लिखा है कि मेरे को 5 बजे उठना है, 5:15 को स्ट्रेचिंग करना है, पुशअप्स करना है, वार्म अप करना है, 5:30 को मेरे को नहाने जाना है, 5:45 को मेडिटेशन के लिए बैठना है, 6:05 को मेरे को अपना टू डू लिस्ट चेक करना है, मैं वो सब लिखता हूँ। और उसके बाद 6:30 to 6:50 तक मैं अपना ब्रेकफास्ट करता हूँ, लाइक मैं खुद ही बनाता हूँ, अपना एक प्रोटीन शेक बनाता हूँ, मैं उसको वहाँ पर दिखाता हूँ। हे गाइस, तो अभी फिलहाल मैं अपना ब्रेकफास्ट बनाने वाला हूँ। ब्रेकफास्ट के लिए मैं सिर्फ एक प्रोटीन शेक पीता हूँ और थोड़े सीड्स खा लेता हूँ। ये सीड्स को मैं रात को भिगोने डालता हूँ। ये हमारा काला चना हो गया, पानी तो उसमें एनीवेज, और हमारे पास मूंग दाल है, मूंग ही बोलते हैं, मूंग दाल बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, ओके इसको मूंग बोलते हैं। और रात को मैं काला चना और मूंग को भिगोने डाल देता हूँ, और सुबह तक वो खाने के लिए रेडी हो जाते हैं। तो जो हमारा दूसरा चीज़ है वो हमारा प्रोटीन शेक है, और प्रोटीन शेक के लिए मैं ग्लास में 250 ml मिल्क लेता हूँ और 5 स्पून ओट्स डालता हूँ, और उसके बाद 2 चम्मच क्या बोलते हैं उसको, कड़ी शक्कर बोलते हैं उसको, मुझे भी इसका नाम ठीक से पता नहीं था, बट हाँ कड़ी शक्कर बोलते। तो मैं 1 स्पून कड़ी शक्कर भी डालता हूँ, और मैं नॉर्मली दो स्पून अपना पीनट बटर डालता हूँ, बट अभी फ़िलहाल मेरे घर पे वो ख़त्म हो गया है, और या अभी फ़िलहाल तो मैं पीनट बटर नहीं डाल रहा। तो इस प्रोटीन शेक से मेरे को 800 कैलोरीज मिल जाता है, और हाँ दैट इज़ इट। उसके बाद अपने कॉलेज के लिए रेडी होता हूँ, लाइक 10 मिनट्स लेता हूँ मैं, और 7 o'clock को मैं अपने कॉलेज के लिए निकल लेता हूँ। और हाँ, लास्ट 3 मंथ से मैं अपना ये मॉर्निंग रूटीन फॉलो कर रहा हूँ, कभी कभी थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है, बट हाँ मैं अपना जितना हो सके उतना फोकस करने की ट्राई करता हूँ। लाइक मेरा यूनिट टेस्ट था तो मैं थोड़ा रात को जाग जाग के पढ़ाई करता था, और फिर अभी गणपति था तो लाइक उसमें मैंने एक दिन जागरण किया था, बट हाँ ऊपर नीचे थोड़ा हो जाता है, बट मोस्टली मैं इसको फॉलो करता हूँ एंड होपफुली और आगे भी करूँगा। और आई होप कि आप भी अपना एक मॉर्निंग रूटीन मेरे जैसा बनाओ। लाइक मैंने बहुत सारी वीडियोज़ देखे, बट मैंने वैसा एक मॉर्निंग रूटीन बनाया जो मेरे लिए सूट हो, तो आपको भी वैसे एक मॉर्निंग रूटीन बनाना चाहिए, ये मेरा रिकमेंडेशन है। बट बाकी या इट्स वेल एंड गुड।